हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। सो जम्मू यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो सभी ने पढ़ा ही है, और ऑब्वियसली हर एक कैंडिडेट के मोबाइल फोन में भी इसकी जो है पीडीएफ अवेलेबल होगी। बट कहीं ना कहीं हर एक कैंडिडेट की एक क्यूरी रहती है कि सर, जम्मू यूनिवर्सिटी जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, क्या वो सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा? क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किसके अकॉर्डिंगली जो है आपको शॉर्टलिस्टेड करके सिलेक्ट किया जाएगा। वो जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट जो है कैंडिडेट्स के माइंड पे क्लियर कर रहा है। तो उसी डाउट को लेते हुए इस एडवर्टाइजमेंट पे आज एक वीडियो जो है वो डेफिनेटली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना हो सका, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ थाउजेंड्स की रेंज में जो है कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी को नहीं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जो है नया प्लेटफॉर्म मिला है जम्मू यूनिवर्सिटी का, जिसमें 31 पोस्ट कुल मिला के एडवर्टाइज की गई है इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस में। और कहीं ना कहीं हर एक कैंडिडेट का जो है हर तरफ से जो है ट्राई रहता है कि कहीं ना कहीं जो है पोस्ट एडजस्टेबल होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जॉब क्रैक होनी चाहिए। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट जो कैंडिडेट को मिलने जाएगा वो ये रहेगा कि कैंडिडेट को जो है 2 साल का प्रोबेशन यानी SRO 202 जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं काटना है। यानी कि पहली डेट से ही विद द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग यू विल गेट ऑल द फुल वेजेस, लाइक जो भी आपके अलाउंसेज होंगे, जितनी भी आपकी फुल सैलरी होगी वो आपको जो है पहले डे से ही मिल जाएगी। बट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात की जाए तो SRO 202 के अंदर सभी की सभी पोस्ट जो है रिक्रूटेड एडवर्टाइज की गई है। उस रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए, कल को अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 2 साल के लिए आपको अपने बेसिक पे पे जो है सैलरी जॉब करनी होगी, उसके बाद आपको फर्दर अलाउंसेज जो है वो दिए जाएंगे। बट मेन मुद्दा जो यहाँ पे अभी आज की डेट में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इसका प्रोसीजर बताने की कोशिश करूंगा जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी जो है आपको इस एडवर्टाइजमेंट में इतना नहीं मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि कैंडिडेट अगर जो है एप्लीकेशन या डिटेल जो भी फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर किसी भी स्टेज में जाके वो डिटेल गलत होती है तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और अगर आप पूरी एडवर्टाइजमेंट में दूसरा सिलेक्शन ढूंढते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कि टाइम टू टाइम जो है पोस्ट जो है विड्रॉ की जा सकती है अगर जम्मू यूनिवर्सिटी चाहे, और पोस्ट को जो है री एडवर्टाइज किया जा सकता है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के माइंड में जो है इस चीज को लेकर काफी डाउट है कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी अब जो है वो इस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट कनेक्ट करेगी या फिर जो है रिटन टेस्ट कनेक्ट करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ अगर इस पोस्ट को आप जोड़ते हैं तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट जो है नेट स्पीड की रिक्रूटमेंट करती है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए जम्मू यूनिवर्सिटी की तो 40 वर्ड पर मिनट जो है नेट स्पीड यहाँ पे बताई गई है। हालांकि इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस में और भी फर्दर काफी ज्यादा चीजें हैं जो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी ने बताया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि जब भी कैंडिडेट्स को जो है कॉल किया जाएगा इंटरव्यूज के लिए या किसी भी चीज के लिए उनके स्किल ट्रेड के लिए, कैंडिडेट्स को जो है अपनी प्रिंट आउट कॉपी लेकर जानी है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की होगी, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आपने जो वहां पे क्वालिफिकेशन फिल कर रखी है, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर जाने हैं जब आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर टेस्ट जो डाल दिया, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है कैंडिडेट्स के माइंड पे आ रही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो नहीं कहा गया, यानी कि सीबीटी तो नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, इस नोटिफिकेशन में सिर्फ बताया गया है कि ट्रेड स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और फिर इसके बाद जो है एक और सोल्यूशन यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें मेरे को डीपली स्टडी करने के बाद एक लाइन मिली है। यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली दोज कैंडिडेट शुड अप्लाई, वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और जो कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं करते हैं अगर वो एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो उनको जो है इंटरव्यू के लिए या फिर उनके ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आप जम्मू यूनिवर्सिटी जो है स्किल टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर सकती है। यानी कि अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो पुराना एक क्राइटेरिया था जिसमें टाइप टेस्ट के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, कहीं ना कहीं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब इस लाइन पे जरूर फोकस दीजिएगा कि ओनली दोज कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन और बाय बिफोर ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले पहले जो है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप एप्लीकेशन फिल करिएगा। फर्दर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर द मिनिमम, जिनके
प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है और या फिर एक्सपीरियंस जिनका कम है, उन कैंडिडेट्स को जो है इंटाइटल नहीं किया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए या फिर उनके ट्रेड टेस्ट के लिए। यानी कहीं ना कहीं अगर आप जो है क्राइटेरिया फिल नहीं करते हैं अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन का या फिर मिनिमम स्किल का, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, या फिर आपको आपके स्किल टेस्ट जो कि जाकि फर्दर कुछ पोस्ट में ट्रेड टेस्ट भी है तो ऑब्वियसली आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी जो है रिजर्व करती है राइट्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए जो है कॉल करने के लिए, बट ऑन रीजनेबल नंबर। यानी कि यहाँ पे भी जो है शॉर्टलिस्टेड किए जा सकते हैं, स्क्रीनिंग की जा सकती है कैंडिडेट्स की इन स्टेजेस के बुलाने के लिए। और उसके बाद जब भी आप इन सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, आप इन जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद जो है आपको अपनी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। बट कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा डाउट्स कैंडिडेट के माइंड में था कि क्या सर सीपीटी होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रूफ दिखाने की कोशिश करूंगा। जॉबरिया वेबसाइट अगर आप सर्च करते हैं तो jobriya.in में जो जम्मू यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन अपडेट है, यहाँ पे पूरा बताया गया है क्लियर कट कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। यानी कि ट्रेड टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपका जो है नहीं होता है यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए, बाकी जो पोस्ट है जहाँ पे एक वैकेंसी है वहां पे ट्रेड टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है जिसमें आपकी 40 वर्ड पर मिनट जो है रिक्वायरमेंट मांगी गई है, वो आपका स्किल टेस्ट होगा और उसी के साथ में कुछ पोस्ट का इंटरव्यू भी जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट्स अब क्लियर हो चुका है डाउट कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो आप देख सकते हैं यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जो है एज यूजुअल मांगी गई है, उसी के साथ में कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड जो है मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट जो है यहाँ पे मांगी गई है। और बाकी पोस्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे एक एक दो दो वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई है, कुछ में MSc मांगी गई है, कुछ पे 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड जो है ट्रेड ट्रस्ट टेलीफोन लाइन ऑपरेटर का हो सकता है, उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजियम कम एनिमल कीपर का ट्रेड टेस्ट हो सकता है, सेक्शन कटर का जो है ट्रेड टेस्ट आपको हो सकता है, उसी के साथ में क्यूरेटर का जो है ट्रेड टेस्ट हो सकता है। अगर स्किल टेस्ट की बात की जाए तो यूनियन असिस्टेंट का जो है वो स्किल टेस्ट हो सकता है कंप्यूटर टाइपिंग में, जो ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में बताया गया। होपफुली आपको जो है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर पता चल चुका होगा। अगर कोई क्यूरी रहती है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट JKJobsUpdatePoint पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि टीम प्रिपरेशन नाम से है जिसपे काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है यूनियन असिस्टेंट पर्टिकुलर यूनियन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स मेरे पुराने कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि काफी कैंडिडेट्स जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी बुक पब्लिश हो रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की JKSSB के सभी पोस्ट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा विद इन 10 डेज जो है डेफिनेटली बुक आ सकती है, क्योंकि पब्लिकेशंस के से जो है हम बात कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जैसे ही ISBN नंबर अलॉट होगा तो बुक जो है डेफिनेटली मार्केट में पब्लिश हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।